निंदा करे ना कोई करता बहाना, निंदा करे ना कोई करता बहाना। मेरे श्रोता बंधुओं, विक्रम ने एक दिन नरसी को घर से अलग कर दिया और पूरी जायदाद का पांचवा हिस्सा भी नरसी को दे दिया। तो भक्त नरसी एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुशीला और बिटिया रामा सहित अलग गांव से बाहर रहने लगते हैं। लेकिन नरसी का काम ज्यों का त्यों लगा रहता है। संतों में बैठना, मंदिर में जाना, भक्ति भजन करना, इस तरह उनका समय व्यतीत होने लगा। इधर बेटी रामा अब पूरे 16 बरस की हो गई। एक दिन सुशीला ने कहा कि अजी सुनते हो, हमारी रामा ब्याह योग्य हो गई है और तुम्हें तो अपने बंसी वाले के गुण गाने से फुर्सत ही कहाँ है। अरे क्या ये पराई अमानत घर में कब तक रखे रहोगे? अरे कहीं तो जाओ और अच्छा सा वर ढूंढकर रामा के पीले हाथ कर दो, तुम्हें क्या पता है कि लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो श्रोताओं, नरसी मुस्कुराकर कहने लगे कि अरे पगली, दुनिया क्या कहती है इससे हमें क्या लेना देना। अरे हमारे बंसी वाले ना रूठ जाए, हमें तो अपने बंसी वाले से काम है। क्यों कि दुनिया रूठे तो रूठ जाए मेरा मुरली वाला ना रूठे। रूठे तो रूठ जाए मेरा मुरली वाला ना रूठे। कहने लगे नरसी के सुशीला, ये दुनिया एक पहेली है, जो समझ गया वो समझ गया। ये दुनिया एक पहेली है, जो समझ गया वो समझ गया। घर छूटे बेशक छूट जाए, घर छूटे बेशक छूट जाए मेरा मुरली वाला ना छूटे। नर देह भजन के लिए मिली, जीवन बगिया की कली खिली। नर देह भजन के लिए मिली, जीवन बगिया की कली खिली। मेरे कुटुम्ब कबीले रूठ जाए, मेरे कुटुम्ब कबीले रूठ जाए मेरा मुरली वाला ना रूठे। कहने लगे नरसी के सुशीला, हीरा तन है अनमोल रतन, हर श्वास में हो मेरी राम भजन। हीरा तन है अनमोल रतन, हर श्वास में हो मेरी राम भजन। तो पाप की गठरी छूट जाए, तो पाप की गठरी छूट जाए मेरा मुरली वाला ना छूटे। दुनिया रूठे तो रूठ जाए मेरा मुरली वाला ना रूठे। श्रोता बंधुओं, एक दिन सुशीला ने नरसी को रामा के लिए लड़का ढूंढने के लिए नरसी को घर से विदा किया। साथ में कुछ खाने के लिए चने मांगकर बांध दिए। तो नरसी घूमते घूमते सिरसागढ़ पहुंच गए। सिरसागढ़ में नरसी ने सेठ मनसाराम के लड़के से रामा का ब्याह तय कर दिया। जिस लड़के का नाम सेठ गणपत था,
फिर क्या था बंधुओं, धूमधाम से नरसिंह ने रामा का विवाह गणपत के साथ कर दिया, यथाशक्ति के अनुसार कर दिया और हंसी खुशी से रामा की विदा कर दी। तो यहां सज्जनों रामा अपनी ससुराल में जाकर चैन से रहने लगती। बंधुओं समय कैसे बीतता है समय का कुछ पता नहीं चलता। समय व्यतीत हुआ, इधर जो कुछ भी नरसिंह के पास था रामा के ब्याह में लगा दिया, अब बचा खुचा साधु संतों को खिला दिया। बस नरसिंह को तो केवल एक ही रट लगी थी। क्या रट लगी थी नरसिंह को कि भगवान हम भक्तों को तुम बिन कान्हा दुनिया सब बेकार है, हाँ दुनिया सब बेकार है। तेरे बिना ओ बाके बिहारी जीना भी दुश्वार है, जीना भी दुश्वार है। कहते हैं नरसिंह के भगवान तुम्हारे बगैर सारा संसार सब व्यर्थ है। क्यों हम सन्यासी तेरे दीवाने, अपने भी सब है बेगाने, भूल भी हो जाने अनजाने, करना क्षमा ओ क्षमा सिंधु, अब तन मन सब बलिहार है और जीना भी दुश्वार है। तेरा ही बस एक सहारा, तुम बिन कोई ना और हमारा, हम तुम हीरा हजारी, तुम पर सब न्योछार है, क्योंकि जीना भी दुश्वार है। तो श्रोता बंधुओं कुछ समय पश्चात रामा अपनी ससुराल में एक कन्या को जन्म देती तथा बड़े ही लाड़ प्यार से उस बेटी का पालन पोषण करती है और कुछ समय में ही रामा की बेटी चंद्रमा के समान बढ़ने लगती। जब ब्याह के योग होती है तो रामा के ससुर जी सेठ मनसाराम बड़ी धूमधाम से अपनी नातिन की विवाह की तैयारी करने में जुट जाती। सभी नातेदारों को निमंत्रण पत्रिका भेजी जाने लगी। परिवार वाले सभी बहुत प्रसन्न थे। आने जाने वाले व्यवस्था करने वालों का तो तांता लगा हुआ था। दूर दराज के सभी रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा था। बड़े बड़े लोग तथा बड़े बड़े सेठ साहूकार उस आयोजन में एकत्रित हो रहे थे, क्योंकि सेठ मनसाराम भी जाने माने नगर के प्रतिष्ठित साहूकारों में से एक थे। तो श्रोता बंधुओं मेरे नौजवान साथियों, इस संसार में झूठी शान शौकत बनाने के लिए भी धन दौलत का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उस गरीब नरसी को सेठ मनसाराम ने ना तो कोई संदेश दिया ना ही निमंत्रण पत्र का पहुंचाई। इधर जब नरसी की बेटी रामा को ज्ञात हुआ कि हमारे पिता के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, हमारे पिता को कोई खबर नहीं भेजी है, किसी को भात मांगने भी नहीं पहुंचाया है, तो रामा अपनी सास के पास जाकर खड़ी होकर रोने लगती है और कहने लगती है कि हे मैया, राह मेरी निहारेंगे माता पिता, हाँ माता पिता सुमांगने भात पी हर को जाने तुम्हारा जाने तुम्हारा।
पैजामा अपनी सास से के मैया हमारे बापू के पास कोई खबर नहीं पहुंचाई, इसलिए नहीं पहुंचाई होगी क्यों के वो है निर्धन मगर मेरे माता पिता क्यों बुलाया नहीं उनकी क्या है खता। अरे अगर वो गरीब है परेशान है तो उनकी कोई गलती तो है नहीं। मेरा मानो निवेदन और समझो व्यथा, समझो व्यथा के मांगने भात पी हर को मैं जाऊंगी माँ, जाऊंगी माँ। कहने लगी रामा देखिए आप एक बेटी अपने पिता के लिए क्या सोचती है कि हर किसी को निमंत्रण है तुमने दिया और मेरे पी हर संदेशा माँ क्यों ना दिया। ऐसी क्या है बता दो उनकी खता, उनकी खता अरे मांगने भात पी हर मुझे जाने दो माँ मैं जाऊँगी माँ। कहने लगी रामा कि मैया है खतावर कर तो वो गरीबी ही है, हमारे माता पिता की कोई गलती नहीं है, केवल इतनी बात अवश्य कि वो गरीब है खतावर कर तो गरीबी ही है क्या करें उनकी ये बदनसीबी ही है। और जब हमारे माता पिता को पता चलेगा कि रामा की बिटिया का विवाह हो गया है हमें निमंत्रण तक नहीं पहुंचाया तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, कैसे बीतेगी उनपे तुम्हें क्या पता, हाँ तुम्हें क्या पता। सो मांगने भात पी हर में जाऊंगी माँ।